लगता है कि हमें से ना तो हमें बताया कि वीडियो बना रहे बेटा, उन्होंने हमने बोला कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए एक वीडियो बनती है, दो वीडियो बनती है, अभी बनाई है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन चोरी से अपने पर्सनल फोन में वीडियो बना के कहीं पे सेंड करना और 7-8 वीडियो लड़कियां किस पोजिशन में बैठी है क्या कर रही है वो बहुत सरासर गलत है और हमने उसका विरोध भी किया अंदर कि ये गलत है, इसका संविधान भी इजाजत नहीं देता आपको। और उसके बाद में फिर वो हमारी ऊपर ही चढ़ाई करने लगे कि नहीं ये ऐसे होता है, हमने सिक्योरिटी के लिए बनाया है, तो ये बहुत सरासर गलत है और हमने इसको जिस तरह से पर्सनल मोबाइल में वीडियोस बनाई गई है उसको लेकर के आप लोग कानूनी कार्रवाई कुछ करेंगे? मैं बात करूंगी, हमारे वकील से भी बात करेंगे, लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे हरकतें करना एसीपी लेवल के अधिकारी का बिल्कुल शोभनता है नहीं। क्या आपने और हमने यही बोला कि यही सम्मान की लड़ाई तुम लड़ रहे थे और अंदर आने के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो, आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो, पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके अब अंदर चूर चूर कर रहे हो, मतलब आप चाहते क्या हो मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। आप लोगों को एक्सपीरियंस से पहले छोड़ा था उन्होंने? अभी निकले हम जस्ट बार आपके सामने, आपके सामने निकले अभी टाइम, आप लोगों ने नोट किया क्या टाइम हो रहा है? 7:20 हो गए हैं जी, 19 हो गए हैं, तो 1-2 मिनट आने में लगे हैं, अभी हमें जस्ट छोड़ा है आपके सामने। उससे पहले आप लोगों ने कहा कि समय हो गया है, हमने बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को वैसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो बोले हमें कानून हमारे फैमिली वालों की बात नहीं करा रहे थे, बार बार आप बोल रहे थे किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवा रहे, 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवा रहे, बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है, वो बोले थे आपने बात करी तो होगी सबकी बात, तो बार बार हर चीज को हमारे लॉयर का भी रिक्वेस्ट, हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था जो इन्होंने अपने फोन से बात की, हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए, अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज है जो प्रदीप कुमार इनसे आप बात कीजिए, या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे दूसरे थे, उनके पास फोन आया तो बोले कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना, हमने तो बोला नहीं हमारे लोअर ने किया है नहीं क्या मुझे नहीं पता, आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो ये कौन सा उसमें है, आप भी तो ये गलत करे, तो एक लड़कियों की आप अंदर रिटेन करके रख रहे हो, हम कोऑपरेट करें हर तरीके से, आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है, जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है वो तो देख ही लिया है। अंदर अधिकारी थी कोई? महिला अधिकारी 3 बैठे हैं जी, कोई किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आईपीएस अधिकारी है, अधिकारी बैठी अंदर, कोई नाम वाम का हमें नाम नहीं पता जी एक्चुअल में, तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की कि हम लोगों की बताया, उनको समझाने की कोशिश की, वो समझ गए हैं, लेकिन किसी ने कोई बोला नहीं। ठीक है मैम, इसके आगे का प्लान क्या है? हम बैठे हैं, हम अभी करीब बाहर ही बैठेंगे क्योंकि बजरंग को छोड़ा नहीं है, बाकी लोग बैठे, हमारे 4 लोग अंदर है तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते, हमारी सारी टीम जब बाहर निकलेगी सारे की जिम्मेदारी एक साथ में हमारी अगर पूरी होगी तब हम जाएंगे यहाँ से, अदरवाइज।